अली एजाज बहुत करीब था मेरे, मैं उसे स्टेज पे लेके आया, पहली दफ़ा उसने पार्ट किया, स्टेज पे रौनक हो गई। अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, बहुत याद आएगा। अल्लाह आपको भी सब्र दे और आपके इनके अहले खाना को भी दे। वो अच्छे फनकार तो थे, अच्छे दोस्त भी। देखें, वो उन सितारों में से थे जो अपनी रोशनी छोड़ गए, और वो उस रोशनी से तो हम लोग सब फैज़याब होते रहेंगे। लेकिन ज़ाहिर है खला तो बहुत बड़ा है, अली जाज साहब का इतना नाम था, इतने वो फिल्म, टेलीविज़न, स्टेज, रेडियो, हर चीज़ उन्होंने की, और बहुत बाकमाल एक्टर भी थे और बहुत अच्छे इंसान भी थे। यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बेशक उन्हें जिस दौर में किया वो हमारी फील्ड के लिए एक स्ट्रगलिंग पीरियड था, तो उसके उन लोगों में से थे जो ये फील्ड बना रहे थे हमारे लिए। समझे सर, आखिरी कोई आज उनके लिए अच्छा सा अल्फाज? देखिए, उनके लिए सारे ही अल्फाज जो कहे जाएं वो अच्छे ही कहे जा सकते हैं। कोई अली एजाज के बारे में बुरा कहा ही नहीं जा सकता, वो किसी के बुरे में था ही नहीं। मसलन ये कहते हैं कि जी उनका खला पूरा करना मुमकिन नहीं है कई लोगों के बारे में, और ये ऐसे लोगों के बारे में भी कह देते हैं कि जिनके मरने से खुद एक खला पूरा हो गया होता है। ये जो अपना थे अली एजाज, इनके बारे में ये जुमला बिल्कुल सही है कि अली एजाज का खला पुर नहीं हो सकता। अली एजाज बहुत बड़े एक्टर थे और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल और बहुत अच्छे इंसान। मेरे जितने भी ड्रामे थे उन सब में अली एजाज का मरकजी किरदार था। मैं आपको एक दो बातें बताता हूँ उनकी, कि आजकल तो पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग होती है, उस ज़माने में तो पहले 3 दिन स्क्रिप्ट की रीडिंग होती थी, और मैंने ये नोट किया कि शाह जी सबसे पहले आए होते थे, सबसे सीनियर यही थे लेकिन सबसे पहले वो रीडिंग के लिए आते थे। उसके बाद रिकॉर्डिंग के वक्त भी वो सबसे पहले वहाँ मौजूद होते थे। और उसके बाद मसलन मैं आपको दो मिसालें देता हूँ। मैं ख्वाजा इंसान में अगर आपको याद हो, अली एजाज एक ख़ास तरीके से खांसते थे, और उनकी हर खांसी जो थी उसका एक अलहदा मतलब होता था। जी बहुत प्यारा नाम, बहुत अच्छे इंसान, जिन्होंने जनाब अली एजाज साहब के साथ एक बहुत सा वक्त गुजारा और उनके साथ रहे, उनको बल्कि अपने साथ भी रखा, और लेके भी जाते थे, छोड़ के भी आते थे। उनके पुराने साथियों में से हैं, पीटीवी में भी काम किया उनके साथ जनाब कमर जमील साहब, इनसे बात करते हैं कि इनके साथ थे तो कैसा टाइम गुजरा और कैसे वो इंसान थे, ज़रा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। बस जी, वो बहुत बड़े इंसान थे, मेरे साथ हम लोग बहुत मुल्कों भी 2-3 जगह साथ गए, लेकिन उनको जब से वो बीमार हुए बिल्कुल ही तबाह हो गए वो, इस घर से भी और बाहर से भी, और बड़ी तंगी से वक्त गुजारा। अब मैं तो झूठ नहीं बोलूँगा, ये 7-8 साल उनके इतने बुरे गुजरे हैं। मेरे ही बेटा मेरा लेके जाता था, बेटा मेरा 25 साल से मैंने रब्ता इनसे रखा है, 25 साल से मैं साथ हूँ, दोस्ती समझ लें या मैं उसका बच्चा था। लेकिन दुख ये है कि आखिरी वक्त में, आखिरी सालों में उसे मार दिया गया था, घर में ही मार दिया गया था। बस इतनी कहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि घर का नाम है, घर की बात होती है, घर में इंसान खुश रहता है, घर में मौत होती है, और औलाद को चाहिए, बीवी को चाहिए कि साथ दे। ये मर तो गए, घर किसी और के है, लाश किसी और की है, मर कोई और गया है। खालिद इब्राहिम साहब, इनसे पूछते हैं कि जनाब आपका उनके साथ जब वो थे, पूरे अरूज पे भी थे, कॉमेडी भी की, हीरो भी आए, उनके साथ कैसा रवैया था, कैसे वो दोस्त थे, कैसे वो एक्टर थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला अली एजाज को जन्नत नसीब करे, वो इंतहाई नेक इंसान और अपने फ़नी लिहाज से एक मुकम्मल शख्सियत थे। मेरा उनका ताल्लुक तकरीबन को 30 साल से था, टीवी, फिल्म, रेडियो, हर लम्हे पर मेरी इनसे बातचीत होती रही। वो इंतहाई सादा तबीयत का आदमी थे, सबके लिए दुआ खैर करते थे, किसी की मुखालफत मैंने उनके मुंह से नहीं सुनी। आज भी मैं उनकी जिस डेड बॉडी देखी है तो मुझे ऐसा लगा जैसे एक बंदा सोया हुआ है। उनके चेहरे पे जो रौनक और जो बरकत नज़र आई वो बहुत कम मरे हुए इंसानों पर नज़र आती है, वो सिर्फ ऐसे इंसानों पर नज़र आती है
जो ज़िंदगी में बड़ा जिन्होंने अच्छी साफ सुथरी ज़िंदगी गुजारी है। अली एजाज साहब एक अहद थे, सिर्फ मजाक के किंग ही नहीं थे बल्कि फ़न के भी किंग थे। बहुत बड़ा नाम था इस मुल्क का, बहुत बड़ा सरमाया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ इस मुल्क का। फ़न के हवाले से तो उनका कोई सानी नहीं था, और वो वाहद ऐसा फ़नकार था जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। जैसे कि हम ममिक्री कर लेते हैं, किसी की कॉपी कर लेते हैं, अली एजाज वाहद आर्टिस्ट है जिसकी कॉपी कोई नहीं कर सकता। तो अब अचानक ही हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ये ऐसा हो जाएगा। ये वो खुद वो अक्सर ही कहते थे कि मैडम बना लो, कदों बनाना जे, मैं खुद ये दरवाज़ा खोलना चाहना बुजुर्गों वास्ते। जी बहुत अच्छे इंसान थे वो, और ज़िंदगी में कभी भी उन्होंने कोई किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं दी हमें, और हमेशा उन्होंने हमें एक जितना मैक्सिमम हो सकता है कोई भी बाप कर सकते उससे बढ़कर किया। मेरा उनसे बहुत गहरा ताल्लुक रहा है, और उनकी कमी महसूस करूंगा सारी ज़िंदगी, करता रहूँगा, अखलाक कभी पूरा नहीं हो सकता। आप सबसे गुजारिश ये है कि उनके साले सवाब के लिए, उनके दर्जात बुलंद होने के लिए दुआ कीजिए। आप सबका शुक्रिया आपने मीडिया में आके किया है सारा, और हमें किसी से कोई गिला नहीं है, सब सर आँखों पर हैं, बड़ी अच्छी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है। मुझे हम सबको उन पर फ़ख्र है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, दर्जात बुलंद करे। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक तो गर्दों के लोग तो ज़्यादातर मुझे जड्डे जुल्फी के नाम से जानते हैं। अली जाह साहब बड़े बेहतरीन आदमी थे जी। हसनैन साहब की फिल्मों से मेरा इनके साथ ताल्लुक हुआ। नौकर थे मालिक, मैंने हसनैन साहब की जो पहली फिल्म की तो उसमें इन्हीं का पेयर बना था। उस वक्त इनकी फिल्म वीज़ा दुबई द हिट हुई, तो फिर बेशुमार फिल्में शुरू हुई, और उसमें से कुछ फिल्में मेरे हिस्से में भी आई, और मैंने देखा कि बड़ा अच्छा काम किया करते थे और इंसान भी अच्छे थे, और यही वजह है कि हम आज यहाँ खड़े हैं। इनकी अच्छाई है जो हमें याद है। और काम किया उन्होंने आपके साथ, तो आपने उनके साथ बड़े जोली टाइप जैसे वो फिल्में किया करते थे, कॉमेडी कभी हो रही है और काम भी हो रहा है, हंसी मजाक हो रहा है, और मज़ा आता था काम करने का उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अली एजाज साहब से मेरा उतना ही पुराना ताल्लुक है जितना मेरा सहाफ़त के साथ है। मैंने कई बार घर में भी और स्टूडियो में और कई जगहों पे उनके साथ मुलाकात रही, घर पे उनके इंटरव्यूज़ भी किए। आज भी मुझे याद है कि आज से तकरीबन 12-13 साल पहले जो मैंने यहाँ घर में उनका इंटरव्यू किया था, पंजाबी एक अखबार था उसके लिए, तो बड़ी ही अच्छी और बड़ी आला किस्म की गुफ्तगू करते थे वो। अदाकार तो बड़े थे ही, उनके साथ सभी जो लोग जिनका भी वास्ता रहा है वो सब जानते हैं कि वो किस तरह के इंसान थे। और लेकिन जो इंडस्ट्री के बारे में उन्हें एक शिकायत थी ना, वो हमेशा कहते थे कि जो उन्होंने इंडस्ट्री के लिए किया है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि जब वो अपनी प्रोडक्शन शुरू की, उन्होंने एक ड्रामा सीरियल उनकी लास्ट थी गिरफ्त, तो उस दौरान उनका एक निजी एक चैनल था, उसके साथ मुआहदा था, लेकिन वो कुछ ख़राब हुआ और उस की वजह से वो बहुत ही परेशान रहे। उनको ऐसा हुआ कि दिल का मर्ज़ भी लाहक हो गया, क्योंकि उनका बहुत पैसा लगा था और वो उनको मिल नहीं पाया उस तरह। जावेद रजा, मुसन्निफ, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, बहुत से लोगों को हीरो बना दिया। इनसे बात करेंगे कि अली एजाज साहब, वो इनके साथ काफ़ी घुलते मिलते थे, डायरेक्टर थे, सीनियर थे, तो इनका उनके साथ कैसा वक्त गुजरा? सलाम अलैकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। ऐसा है कि अली एजाज साहब के साथ, क्योंकि मेरी जो अदारा है, जो मेरी एक स्कूल है, वो रंगीला साहब का स्कूल है, तो उसमें दिल और दुनिया, दिया तूफ़ान, रंगीला, दो रंगीले, औरत राज और भी काफ़ी फिल्में हम लोग इकट्ठे थे।
फिर जब मैं डायरेक्टर बना तो तब भी अली जाज साहब के साथ बहुत काम किया, दोस्ती भी बहुत थी और बड़े मिलनसार और बड़े नफीस और बड़े शरीफ इंसान थे। और जब भी मिलना, प्यार मोहब्बत, वही अपनाइत, वही रंग रूप। और मुझे तो दुख ये हो रहा है कि आज उनमें से ये जो जितने भी हमारे लीजेंड कॉमेडियन थे, इनमें आज कुछ भी नहीं है। वह आप चले जाए ना, यहाँ से शुरू में चले जाए, नज़र साहब, आसफ साहब, आसफ जार, लहरी साहब, नराला साहब, मुनव्वर ज़रीफ, जुल्फी साहब, हमारी फिल्म थी रंगीला, उसकी आउटडोर थी लंदन में, वहाँ उनकी डेथ हुई थी। तो फिर ये कॉम्बिनेशन बना रंगीला साहब और मुनव्वर ज़रीफ साहब के साथ, इनका अली जाज और नन्ना साहब का, अलबेला साहब का, तो ये सारे लीजेंड लोग थे जी। सबसे पहली बात तो ये है कि अली जाज साहब आज दुनिया में नहीं रहे, बहुत ही अजीम इंसान, बड़े अच्छे एक्टर, बड़े अच्छे बाप, शफीक दोस्त, मिलनसार, मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले। और अब उन्होंने अपनी अदाकारी में जो नकूच छोड़े हैं वो तो रहेंगे, रहती दुनिया तक रहें, जब तक के सिनेमा है, स्क्रीन है। तो आज फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी दोस्त यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। पहले समझ आ रही थी कि शायद यहाँ पे कोई ना आए, लेकिन लगाड़ी साहब आए हैं, अच्छे खान साहब हैं, जावेद रज़ा हैं, सैयद शेखी हैं, ताउला कासमी साहब आए थे, उन्होंने बताया कि वो शब्द एक ख्वाजा इंसान के वो हीरो थे अली जाज साहब उनके ड्रामों के। और वो बड़े ही वाकई, मतलब जब इंसान दुनिया से जाता है तो तब पता चलता है कि वो क्या है, और वो वाकई बड़े इंसान थे, बड़े फनकार थे, अल्लाह मियाँ उन्हें जन्नत नसीब करे। आज सुबह उठते ही देखा है कि नेट पे शाहजी की डेथ हो गई है, आज वो हम में नहीं है, अल्लाह ताला गरीब के रहमत करे, परवरदिगार उनकी मकसद फरमाए। अच्छे आर्टिस्ट थे, बड़ी स्ट्रगल की फिल्म लाइन में, क्योंकि मैं भी 40 साल से काम कर रहा हूँ, वो भी कर रहे थे, उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल की, हमारे सीनियर्स थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई 79-80 में एक ड्रामा उनका चला दुबई चलो, तो वो उसी पे फिल्म बना दी हैदर चौधरी साहब ने, सैयद नूर साहब ने लिखी, और वो उससे हिट हो गए। और मैंने फिर पहली फिल्म उनके साथ मिस्टर अफलातून की, उसका टाइटल उन्होंने किया, नसीम हैदर चाह साहब उसके डायरेक्टर थे, मैं भी उसमें विलन था इलियास कश्मीरी साहब के साथ। फिर हमारा 400 साल शाहजी ने जितना पीरियड काम किया अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके साथ किया, नन्ने एजाज, नन्ने की और अली एजाज साहब की एक जोड़ी बन गई थी, जैसे सुल्तान राही मुस्तफ़ा कुरैशी की जोड़ी थी। तो उस वक्त एक टाइम हमने ये भी देखा कि सुल्तान राही साहब जी, जैसे अकमल और मदर शाह साहब की जोड़ी थी, हमने एक टाइम ये भी देखा कि सुल्तान राही साहब घर बैठ गए, नन्ना और अली एजाज की हर फिल्म बन रही थी। मेरे आज जब सुबह उठा तो मैंने पहली खबर ये देखी, सुनी टीवी पे, तो मुझे बहुत ही तकलीफ़ हुई, बहुत रंज हुआ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का पहला ड्रामा जो था ना सीधा मोड़, तो वो मैंने उनके साथ किया था। नए आने वाले आर्टिस्ट को लोग डैमेज करते हैं, आगे नहीं आने देते, मुझे उन्होंने सपोर्ट किया था, तो ये हौसला किसी किसी में होता था। मैंने वो करेक्टर कई लोगों के साथ किया, लेकिन मुझे वो सपोर्ट नहीं मिली जो शाह साहब से मिली थी। वह अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, बहुत बड़े लोग थे, बड़े प्यारे थे, एक महफिल थे। अपने साथ ही सब कुछ ले गए, वो लाजवाब किरदार जो उन्होंने अदा किए थे वो भी साथ ही ले गए, उन जैसा कोई दूसरा नहीं होगा और किसी जैसा कोई नहीं होता। वो अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, लेकिन शाह साहब एक अच्छे इंसान, एक बासूल इंसान, एक अनाह वाले इंसान और एक खुददार इंसान थे। अब अली एजाज दोबारा नहीं आए। सर दुनिया में ना आए, आपके दिलों में तो है हमेशा 40-45 साल। हमारे दिलों में होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो सब एक दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम इतने मोहताज हैं। ये जिनका काम है उनको करना चाहिए कि वो अपने जौहर जो हैं, जवाहरात जो हैं, उनके भी खबर रखें कि वो किस हाल। अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन बड़ा अफसोसनाक दिन है। आज सुबह मुझे ये कामरान साहब ने टेलीफोन करके बताया, बड़ा मुझे अफसोस हुआ। माशाल्लाह उनकी सेहत तो बिल्कुल ठीक थी, पिछले महीने उनसे मेरी मुलाकात हुई, ये कल्चर गद्दाफी स्टेडियम में, कल्चर कॉम्प्लेक्स में, तो बिल्कुल ठीक ठाक थे। बहुत काम किया इनके साथ मैंने, मेरी आखिरी फिल्म इनके साथ मुहाफिज थी जो हमने हांगकांग में की। ऐसे फनकार
दुनिया में कमी पैदा होते हैं जैसे अली जाह साहब थे। सर आपके साथ तो माशाल्लाह उन्होंने बहुत सा काम किया उर्दू में पंजाबी में, आप बताएं कि दोस्त कैसे थे? बहुत अच्छे दोस्त थे और इतना मजाक था हमारा आपस में कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, लेकिन ये मैं कहूँगा आखिर में कि वो हमसे बिछड़े नहीं जब तक ये कायनात है, अली जाह साहब का नाम जिंदा रहेगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे और उनके घर वालों को सब्र दे। थैंक यू। आज एक और सितारा टूट गया, एक और सितारा हम में से बिछड़ गया। आपके साथ तो बहुत काम किया उन्होंने। हमारे साथ ये मैडम नगमा, एक लेजेंड एक्टर, हम इनसे बात करेंगे कि वो इनके साथ काम करते थे, क्या किस तरह वो करेक्टर में डूब जाते थे, किस तरह वो घुल मिल जाते थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली जाज एक अपने स्टाइल का लेक मतलब अपने स्टाइल का एक आर्टिस्ट था। उसकी जगह उसकी ज़िंदगी में भी कुछ किसी ने नहीं ली और अब भी कोई कमी उसकी पूरी नहीं कर सकेगा। अच्छा इंसान था। मैं लेबर में हूँ उनके, कभी वो मुझे फ़ोन कर लेते, पता कर लेते थे, कभी मैं कर लेती थी। तो आज वो सहारा भी ख़त्म हो गया। आर्टिस्ट कमाल का था, अच्छा इंसान था। रिसेंटली हमने एक फिल्म की थी कोटली में, शहजाद रफीक साहब की मोहब्बतें सच्चियां, उसमें हम लोगों ने इकट्ठे काम किया था। तो वही चलो भी आप ही दोनों की वजह से। वो तो बहुत पहले की बात है ना, मैं अभी पिछले कुछ सालों से की बात करें। बाकी ये है कि एक इंसान है, अपनी सारी जो अल्लाह की तरफ से लिखी हुई हैं वो सारे काम अपने करके फारग हो के फिर वो चला जाता आगे। तो सब ने चले जाना है। अब मैं सबसे कहूँगी कि आप सब लोग उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह उसका अगला सफ़र आसान करे और उसे जन्नत में जगह दे। अशरफ खान बात कर रहा हूँ, आवाम न्यूज़ से। अच्छा जी, हमारे साथ हैं बहार बेगम जो किसी वजह से आज नहीं आ सकी, लेकिन वो मीडिया के साथ उन्हीं के समझें के साथ हैं वो। हम बात करेंगे बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि हमारे अल्लाह चला गया। तो क्या कहती हैं कि वो कैसे इंसान थे, कैसे एक्टर तो बहुत अच्छे थे, आप बताएं कि फैमिली के साथ और लोगों के साथ उनके कैसे थे रिलेशन? का तो जी कोई जोड़ ही नहीं है कि मैं इसके बारे में कोई बात करूं, क्योंकि वो इतना अपना था कि उसके साथ बात करते हुए ये नहीं महसूस होता था कि हम किसी एक्टर से बात कर रहे हैं। जी जी जी। अच्छा बहार बेगम साहब, आपके साथ तो उन्होंने बहुत काम किया है ना, आपके साथ तो काफी काम किया है, आज वो दुनिया में नहीं है तो उनके लिए दुआ खैर भी कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे की ये कहने वाली बात हुई है मुझे इसके बच्चे ने, काके ने उस दिन बताया भी था। जी जी जी। एक प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास मैं माड़ा सा बच्चा हूँ, गाड़ी एक ही है, तो बच्चों को उसने यूनिवर्सिटी वो उसके टाइमिंग जी 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 तो मैं आ नहीं सकी। ठीक। वरना ये नहीं, नहीं आप आ गई हैं, आप आ गई हैं बहार बेगम साहब, आप आ गई हैं, आप बीच में हैं, जनाजे के बीच में हैं, यहाँ कोई मत। हाँ आपका इतनी बात करना ही बहुत बड़ी बात है, वरना लोग तो नेबर में रह के नहीं जाते, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला आपको भी तंदुरुस्ती दे, हमारे सिरों पे कायम दायम रखे। आज आप उनके लिए कुछ दुआ करें। अल्लाह पाक परवरदिगार उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, वो जितना अच्छा आदमी था। मैं अपने हिसाब से अपनी गलती के हिसाब से बात कर रही हूँ। जी जी। अदरवाइज वो कैसे है मुझे नहीं पता। नहीं, लेकिन नहीं। उसने कभी मैंने उसका मुंह बंद नहीं देखा, ये हंसते हुए पीछे गया हुआ है। बिल्कुल भी। इतने प्यार मोहब्बत से बोलता था कि ना बोलने वाला भी उसके साथ बात करने लगता। सही बात, बिल्कुल जी बिल्कुल। अल्लाह ताला जाना तो हर एक ने है अपने टाइम से, तो उसका सुन के ये याद आया कि हमें भी जाना है, तो बहन अपने आप को ठीक से रख। ठीक है। बहुत दुख हुआ कि मैं नहीं आ सकी। नहीं नहीं, आप बीच में बहार बेगम साहबा, आप साथ हैं आप। जी बहुत बड़ा नाम और बहुत काम किया, बेशुमार किया। अगर कोई कहे तो ये कहेंगे मैं थका हुआ हूँ, काम किया है इतना किया, अली जाज के साथ भी किया है, फिल्मों में भी किया है। हमारे साथ हैं जी औरंगजेब लगारी साहब, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी।
अली एजाज साहब के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं कुछ, तो क्या कहे बंदा, सब जानते हैं वो कितने बड़े फनकार थे और शुरू का अरसा जो उनका स्टेज से शुरू हुआ, रेडियो से, स्टेज से, टेलीविजन से, और साथ ही थे हमारे, उनका एक मुनफरिद अंदाज जिसमें वो एक्टिंग करते थे, यूँ समझ लें कि मुझसे कुछ 5-7 साल बड़े ही थे, तो मेरे लिए तो वो स्कूल ही थे, उन्हें देख के हम सीखते रहे। उनका अंदाज ऐसा खूबसूरत अंदाज था, कॉमेडी तो वो करते ही थे लेकिन उसके दौरान जब भी कोई ट्रेजिक सीन्स आते थे तो इस खूबसूरती से निभाते थे कि आंसू निकल आते थे देखने वालों के। उनका अंदाज इस कदर मुनफरिद था कि उनके अंदाज की ज़रा सी खुशबू भी किसी आर्टिस्ट में अगर आ जाती थी तो वो फनकार बन जाता था। बस अफसोस, आपके साथ तो काफ़ी काम किया। जी, शुरू के दिनों में खुसूसन काफ़ी काम किया, फिल्में भी 2-4 उनके साथ की, लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि वो जब चले गए, चले जाने से पहले 15 साल पहले कम अज़ कम, जिस हाल में उन्होंने वक्त गुजारा, हम उनकी कोई खिदमत नहीं कर सके, ना ही हम ना ही हुकूमत। हुकूमत तो पिछले 15 साल से अपनी कुर्सियों के चक्कर में ही रही, पाकिस्तान का ख्याल नहीं किया तो वो अली एजाज का क्या ख्याल रखे। अब जो तब्दीली आई है, मैं समझता हूँ अली एजाज साहब के जाने से हमारे अंदर जो तब्दीली आई है, कम अज़ कम इतनी तो आए कि हम एक दूसरे का ख्याल रख सकें, मरने से पहले भी और मरने के बाद भी उनके लिए दुआ करते रहें मग़फ़रत की, अल्लाह उन्हें जवारे रहमत में जगह दे। अफसोस सभी को है, हम एक पुराना साथी दोस्त, अच्छा दोस्त, अच्छा फनकार भी चढ़ गया, तो क्या कहती हैं आज आपके क्या तसर्रुफ़? जी यकीनन ये बहुत बड़ा सानिया है, बहुत बड़ा लॉस है हम सब के लिए कि इतने अजीम फनकार आज हम में नहीं हैं। वो एक जेन्युइन लेजेंड आर्टिस्ट थे, उनके साथ मुझे, मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैंने 2 ड्रामों में उनके साथ काम किया, और वो ना सिर्फ अच्छे फनकार थे बल्कि बहुत ही खूबसूरत रूह थी उनकी, उनके साथ काम करने का मज़ा आता था, उनसे सीखने का जो मौका भी मुझे मिला बहुत दफ़ा, कई सिचुएशंस होती थी जहाँ फंस जाते थे हम लोग, तो हम उनसे रहनुमाई लिया करते थे, और उन्होंने कभी फील नहीं होने दिया कि वो बहुत बड़े फनकार हैं, जो कि वो थे। लेकिन मैडम आप हुकूमत में भी रही हैं, हर दफ़ा यही होता है कोई ना कोई सितारा चला जाता है, अल्लाह को प्यारा सब नहीं जाना है, लेकिन उसकी कुछ आशें उम्मीद होती हैं, उसकी बच्चों की होती हैं, तो आपने भी बड़ी कोशिश की, क्या ये हुकूमत कभी आंख नहीं खोलेगी इस तरफ? नहीं, जब तक हमारी हुकूमत थी तब तक तो हमने बहुत कोशिश की, हतुलवसा कोशिश की कि अपने साथियों के, चूँकि मेरी कम्यूनिटी है तो मैंने तो बहुत किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से मैं मुतमिन हुई कि जितने मेरे फनकार थे जहाँ तक मेरी कोशिश थी मैंने किया और उनके काम हुए भी। अब जो मौजूदा हुकूमत आई है इसमें कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या होने वाला है, फनकारों के साथ क्या सलूक होने वाला है, और जो उनके महाना फ़ंड थे वो भी अभी नहीं पता कि कब फनकारों को दिए जाएंगे, और जब फनकार हमारे एड़ियाँ रगड़ रगड़ के बेचारे मर जाएंगे तो फिर वो अखबारों में भी बयान लिखवा देंगे, अफसोस भी कर लेंगे और कह देंगे कि जी हम घर भी चले जाएँगे पिक्चर बनवाने के लिए, लेकिन जब हयात होते हैं तब उनकी फिक्र नहीं होती, तब एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं कि अच्छा करते हैं, अच्छा करते नहीं करते, ये एक अलमिया है। लेकिन मैं ये बात बड़े फ़ख्र से कह सकती हूँ कि हमारी मुस्लिम लीग नून ने जब बरसेदार रही है और हतुलवसा जहाँ तक हो सका है हमने अपने फनकार बहन भाइयों को हेल्प आउट भी किया है, चाहे मेडिकली हो, चाहे फाइनेंशियली हो, या किसी और सूरत हाल से, और यह बात आप फनकारों से पूछ भी सकते हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। क्या कहते हैं आज उनके लिए दुआ? ये ऐसी हस्तियाँ होती हैं जिनके लिए दुआ मांगी नहीं जाती बल्कि दिल से निकलती है और हर लम्हे निकलती है, और जितने वो अजीम इंसान थे यकीनन अल्लाह ताला उनको जन्नत के आला दर्जों पर ही फाइज करेंगे, और उनकी कमी हमेशा रहेगी, उनका खला हमेशा जो है वो खला रहेगा हमारी इंडस्ट्री में, उनका खला कभी पूर नहीं हो पाएगा। और मैं सबसे कहना चाहूँगी अपने तमाम दोस्तों से, जो हमारे जूनियर्स हैं, जो हमारे नए आने वाले हैं, कि वो सीखें अपने सीनियर से और ज़िंदगी में उनको इतने रिगार्ड दें, इतनी इज्जत दें कि उनको पता चले कि अगर वो शोबिज़ में अब काम नहीं कर रहे तो उनके साथियों ने, उनके कुलीग्स ने उनको बुलाया नहीं है बल्कि वो साथ साथ हैं उनके। मैं एक छोटा सा वाक्य सुना चाहता हूँ कि अली एजाज साहब जो हैं, इनके जो वालिद मोहतरम थे हज़रत करंदली सोहरावर्दी रामदार, वो मेरे अब्बा जी के मुर्शिद थे,
اور جب میں فلموں میں ڈراموں میں آیا تو میرے والد صاحب نے اجازت اس بنیاد پر کی کہ ہمارے مرشد کے صاحبزادے کر دیتے تمہیں بھی اجازت ہے. تو آج جو بھی میں ہوں یہ علی جاز صاحب کی اس برکت کی وجہ سے ہوں, اور بے شمار ان کے ساتھ کام کیا اور وہ بالکل محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ اتنے سینئر ہیں اور اتنے ماشاءاللہ ہمیشہ دوستوں کی طرح اور گائیڈ کرتے تھے. فلموں میں مجھے گائیڈ کیا, ٹی وی میں, ہر جگہ مجھے گائیڈ کرتے تھے. جس رول میں بھی آئے, ہیرو آئے ہیرو بنوایا, کامیڈین آئے کامیڈین بنوایا, اور ایز اے انسان اتنے اچھے تھے کہ جونیئر کی بڑی وہ حوصلہ افزائی کرتے تھے سیٹوں پر, اور یادگار رول انہوں نے کیے, یادگار ہیں, دلوں میں یاد رہیں گے. فلموں میں آغاز ہوا, ایک بہت بڑی فلم بن رہی تھی پاکستان میں, کبڑا عاشق. ہیرو لوگ کہتے تھے کہ شاہد صاحب آ گئے ہیں, شاہد صاحب نہیں اورنگزیب صاحب آ گئے ہیں. اور اس کے بعد بلندیوں کو چھوا, پنجابی اور اردو فلموں میں بے شمار ہیرو کے کریکٹر کیے, اور یکا یک خواجہ اینڈ سنت بھی آیا جو دنیا کے لوگوں کے دماغوں میں ایک نقش کر گیا. تو بات کرتے ہیں آج, خواجہ صاحب تو نہیں رہے, اللہ تعالیٰ ان کو جگہ جنت میں دے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ نے اتنی بڑی بات کی, ابھی ان کے بیٹے سے میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ کے تو ریئل فادر فوت ہوئے, میرا تو فن کا باپ فوت ہو گیا, جنہوں نے مجھے سکھایا تھا کہ فن ہے کیا, کامیڈی ہے کیا. اور جو ٹائمنگ انہوں نے سکھائی ہے, کامیڈی نہ لفظوں کی ہے, نہ شکل بنانے کی ہے, نہ جھکتوں کی ہے, کامیڈی صرف ٹائمنگ کی ہے. اور انہوں نے مجھے صرف ٹائمنگ سکھائی ہے. وہ بہت بڑے انسان تھے, وہ اتنے بڑے انسان تھے کہ میرے پاس لفظ نہیں ہیں ان کے متعلق کہنے کو. میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں, وہ بہت بڑے آدمی تھے. آپ کو تو ماشاء اللہ, دیکھیں جی ان سے بھی پہلے رنگیلے صاحب, سعید خان صاحب جیسی ہستی ملے جن کے آپ نے کام کیا, اور ماشاء اللہ ایسے لوگ. میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے بہت اچھے اچھے لوگ ملے, اور وہ لوگ ملے جن کو فن کا پتہ تھا. اور ہمیں, مجھے تو آج تک فن کا پتہ نہیں چلا, لیکن ان کو پتہ تھا. تو انہوں نے صرف مجھے سکھایا اور میں نے سیکھا, اور آج بھی سیکھ رہا ہوں. سر یہ دوریاں کیوں رہ گئی اپنی لائن سے؟ لوگ بہت بڑا نام پاکستان کا سید نو, اور ان کے ساتھ تو کافی کھلے ملے تھے جناب علی جاد. آج ہم میں نہیں ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یقیناً جی, علی جاد صاحب بہت بڑے آرٹسٹ تھے, ہم نے بڑا کام کیا ان کے ساتھ, اور میری شروعات میری لکھی ہوئی فلموں سے ایز ہیرو نے ادا کی, اور ہمارا بڑا ساتھ رہتا تھا. میں نے جب دبئی چلو, سورت جوائی, جدائی, افلاطون, یہ سب فلمیں لکھی, تو ہم اکثر سیٹ پہ اکٹھے ہی ہوتے تھے, ہنسی مذاق, بہت بڑے خوشگوار طبیعت رکھنے والے انسان تھے. لیکن انفارچونیٹلی آخری وقت میں بہت پریشانی میں گئے ہیں, اللہ ان کی مغفرت کرے. شاہ جی یہ دیکھیں, یہ اس کے بارے میں کچھ سوچیں کہ جو لوگ بیچارے گھروں میں بیٹھ گئے, آواز اٹھائی ہے آپ نے کئی دفعہ, لیکن گورنمنٹ کے کانوں پہ جونے رنگ تھی, اس کے بارے میں کبھی کچھ کریں خدا را. گورنمنٹ کے کانوں پہ جون کا رنگنا میں تو نہیں کچھ کہہ سکتا, اس لیے کہ گورنمنٹ بیچاری اب کیا دیکھے. یہ ادارے ایسے ہونے چاہیے ڈیفینیٹلی آرٹسٹوں کے حوالے سے, جو اس کی ٹیک کیئر کریں, ان کو دیکھیں. تھینک یو. ہمارے ساتھ محترمہ صغرہ صدف صاحبہ ہیں, ہم ان سے بات کریں گے کہ جناب علی جاد صاحب نے بہت تھیٹر کیا ہے, المرا میں بڑے شو کیے ہیں, یہ ان کے بارے میں آج ہم زیادہ باتیں نہیں کریں گے کیونکہ دن ایسا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی علی جاد صاحب پاکستان کے ایک بہت ہی قدر اداکار تھے, اور انہوں نے جتنی فلمیں کی ہیں میرا خیال ہے کہ وہ ساری فلمیں ہی ہٹ کہی جا سکتی ہیں. بھلے وہ سینمے پر نہ اتنی مقبول ہوئی ہوں, لیکن لوگوں کے دلوں میں وہ بس گئیں, اس لیے کہ ان کی اداکاری میں جو ایک فطری تھا رنگ, وہ بہت ہی متاثر کن تھا. پھر وٹ ان کی جو ہے, مزاح ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم مان کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اتنا بڑا فنکار تھا جس کے ساتھ بیٹھنے کا, جس کے ساتھ مکالمہ کرنے کا ہمیں موقع ملا. تو میرا دفتر کیونکہ یہاں سے قریب بھی ہے, تو اکثر مہینے میں 3-4 دفعہ وہاں تشریف لے جاتے تھے, 2-2 گھنٹے بیٹھتے تھے, باتیں کرتے تھے, ہنستے تھے, اور ایک خوبصورت انسان اس دنیا سے چلا گیا. اللہ انہیں جنت نصیب کرے. انسان آیا ہے تو جانا بھی ہے, لیکن جو جانے والے یادیں چھوڑ جاتے ہیں, آنکھوں میں آنسو چھوڑ جاتے ہیں, وہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں دماغ میں رہ جاتے ہیں. ہمارے ساتھ سینئر صحافی
جناب طاہر بخاری صاحب ہیں، انہوں نے کافی کام کیا ہے فلم انڈسٹری پہ، کافی دیر سے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے سینئر جونیئر تمام ایکٹر فیمیل میل سے کام کیا، ان سے بات کرتے ہیں کہ آج علی جاز ہم میں نہیں ہیں، ان کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی علی اعجاز صاحب آج انتقال کر رہے ہیں، انتہائی دکھ کی افسوس کی بات ہے. علی اعجاز فلمی صنعت کا ایک بہت بڑا نام تھے، انہوں نے نہ صرف فلم، انہوں نے تھیٹر، ٹی وی اور ریڈیو میں بھی اپنے فن کا لوہا منوایا. جب ان کا پروگرام اپنا ایک ٹی وی ڈرامہ خواجہ انسان چلا تو انہیں بہت شہرت ملی. اس کے بعد وہ فلموں میں آئے، پہلی فلم انہوں نے حیدر چودھری صاحب کی تو اس کے بعد جب فلم میں آئے کامیڈین سے یکدم ہیرو، تو ایک ٹرینڈ بدل گیا. اداکار ننا کے ساتھ ان کی جوڑی بہت مقبول ہوئی، پہلی فلم دبئی چلو پنجابی جو ہٹ ہوئی. ہاں جی دبئی چلو، وہ سید نور انہوں نے لکھی تھی، حیدر چودھری کی فلم تھی. اور اس کے بعد پھر لال سالہ صاحب ان کا، ہاں جی سورت جوائی، بہت نوکر تھے مالک، دھی رانی، بے شمار. اب یہ ٹرینڈ چل گیا تھا کہ ایکشن دور میں کامیڈی فلموں کا، کس اس میں سلطان رائی کو بھی انہی فلموں میں ڈالتے تھے. تو جب پھر ان ننا کا انتقال ہوا اس کے بعد ان کی جوڑی ٹوٹی اور پھر ان کا فلم انڈسٹری سے جو وہ کم ہو گیا. لیکن وہ بہت اچھے انسان تھے، ہماری بہت ان سے ملاقاتیں تھیں، وہ بڑے ان کی گفتگو میں بڑا مزہ تھا، ان کے ساتھ جو اپنے ان کے دوست ساتھی ملتے ان کے ساتھ بڑی مزاحیہ انداز میں گفتگو کرتے، چھوٹوں سے شفقت کرتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک عظیم انسان جو اس دنیا سے چلا گیا. ستتر سال پتہ بھی نہیں چلا، جوانی اسٹوڈنٹ لائف سے لے کے جوانی تک اور بڑھاپے تک کام 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 کرتے رہے، آج وہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں اور ان کے گھر والوں کو صبر عطا کرے. یادیں چھوڑ گئے ہیں، نقش چھوڑ گئے ہیں، باتیں کر دیتے ہیں لوگ. کیمرہ مین ساجد کے ساتھ اشرف خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.